राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को, वेलकम टू डे 9 ऑफ लेट नाइट स्टडी चैलेंज। ये व्लॉग मैंने बनाया है छिंदवाड़ा में। मैं यहाँ आई हुई थी, यहाँ एक शादी थी तो 2 दिन मैं यहाँ रहूँगी, उसके बाद मैं वापस चली जाऊँगी नागपुर। और यहाँ कंपैरेटिवली मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाती है, और क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, मेरे बेबी को भी मम्मी पापा देख लेते हैं। और ये व्लॉग जो है, मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है मेरे पास, पीडीएफ थी ये, टेलीग्राम पे मुझे मिली, उसका मैंने पीडीएफ प्रिंट निकाला हुआ है। तो वो आई मैग्नस करके कोई इंस्टीट्यूट है, उसका मुझे टेलीग्राम पे मिल गया था ये फ्री में ही। तो मैंने सोचा कि टेस्ट सीरीज़ क्यों ही लगाई जाए, ले देके आगे पीछे वही क्वेश्चंस रहते हैं। मैंने लास्ट जो दिसंबर 2023 वाली जो एग्ज़ाम थी, तो उस समय मैंने 2 इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे 19-20 सेम टाइप के ही क्वेश्चंस थे। तो इस बार मैंने वही डिसाइड किया कि अगर मुझे कहीं ना कहीं से ऑब्जेक्टिव्स मिल जाते हैं तो मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाऊंगी। मेन मोटो अपना ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो खूब सारे। तो वो टेलीग्राम पे भी मिल जाते हैं, ऐसी कुछ पीडीएफ मिल गई जिसमें A to Z सारे ऑब्जेक्टिव्स है, तो वो भी हो जाता है। और फिर लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है ही, फिर अपने जो मुकेश महेश्वरी और पुनीकर की है प्रीवियस ईयर्स की, उसमें भी ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, तो फिर क्यों ही अननेसेसरी टेस्ट सीरीज लगाना। फिर वो कैसा, मोबाइल में मुझे पढ़ना उतना फिजिबल लगता नहीं है, फिर उसको एनालाइज भी करो, तो वो मुझे ये पीडीएफ फॉर्म में, प्रिंट आउट वाले फॉर्म में ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना फिजिकली, जब आपके सामने कुछ अवेलेबल हो। तो ये अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पर, और मैं ये लेके आ गई थी। अभी तो हिस्ट्री का मेरा कुछ चल नहीं रहा था, ये काफ़ी पहले मेरा कंप्लीट हो चुका है, पर मैंने सोचा 2-3 दिन का टाइम है तो उसमें कुछ ऐसी बुक लेके जाई जाए जो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और चलते फिरते भी ट्रैवलिंग में ये पढ़ना ज़्यादा ईजी जाता है। अभी मेरे 4-5 या ऑलमोस्ट 6 घंटे ट्रैवलिंग में जाने वाले हैं, तो उस समय मैं ये ऑब्जेक्टिव्स लगा लूँगी, उतना भी टाइम वेस्ट क्यों करना, मैंने ऐसे सोचा। और 2 दिन के लिए जाना है और ज़्यादा सामान भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये मुझे एक ही बुक ठीक लगी, क्योंकि मैरिड हूँ, बेबी है, तो सामान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए फिर अभी मैं ये कंप्लीट कर रही हूँ। मेरा डेली टारगेट इसमें ये रहेगा कि ये शायद 110 या 120 पेजेस की है ये वाली। तो अब 3 दिन है मेरे पास, इसमें से आज का तो 1 दिन हो ही गया है, तो 40 पेज अगर मैं करती हूँ तो मेरा ये हो जाएगा 3 दिन में। और शादी वाले घर में भी एकदम क्लोज तो नहीं है वो शादी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ पाऊँगी, और मेरे बेबी की भी टेंशन नहीं है, वो अच्छा खेलने लगता है जब कुछ लोग वहाँ साथ में मिले, बच्चे मिलते हैं तो। और आई होप मेरा ये 3-4 दिन में जो है ये चीज़ हो जाएगी कंप्लीट, और जब मैं वापस जाऊँ तो मेरा हिस्ट्री एज अ होल कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि वापस जाके अभी मुझे कंटिन्यू अपने इसमें भिड़ना पड़ेगा। मेहमान भी अब जा चुके हैं, और ये सब जो इधर उधर का घूमना, ताम झाम, शादियाँ, ये सब भी हो चुका है। मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट वन मंथ के लिए ऐसा ताम झाम नहीं है, तो उसका मुझे फुल यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। और कुछ मतलब 1-2 मैरिड जो एस्पिरेंट्स हैं उनका मुझे आया था मैसेज इंस्टाग्राम पर, तो उन्होंने मुझसे बोला है कि कैसे आप अपना रूटीन और अपने जो काम है वो मैनेज करते हैं, तो उस पर मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो बनाऊँगी। टाइम टेबल का तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप लोग वो देख सकते हैं, पर मेरा जो पर्सनल रूटीन है वो कैसा रहता है मैं आपको उस वीडियो में बता दूँगी। और होता क्या है ना, मैरिड लोगों को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है मैनेज, काम हो गए, खाना बनाना हो गया, घर को थोड़ा बहुत मैनेज करना हो गया, और जिनके बेबी है तो उनको संभालना हो गया, और उसके साथ साथ पढ़ाई। और हमारी जनरेशन का ऐसा प्रॉब्लम है कि हमने ये सब काम पहले ज़्यादा नहीं किए हैं, अभी सडनली आपको वो सब काम करना है, आपको अपने ड्रीम्स भी पूरे करने हैं, तो वो थोड़ा एक साथ चीज़ें करना मुश्किल हो जाता है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगी जल्द से जल्द, और जो उसमें से कुछ सीख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर वो वीडियो देखिए। और रही बात अभी नेक्स्ट 1 मंथ की स्ट्रेटेजी की, तो उसका भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जैसे ही मेरे ये 3 यूनिट ख़त्म हो जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ MP, ट्राइब्स और ज्योग्राफी ऑफ MP। तो एक 1 मंथ वाला वीडियो मैं लेके आऊँगी स्ट्रेटेजी का, तो वो भी हम अभी कुछ दिनों में देखते हैं, 4-5 दिनों में आई थिंक मैं अपलोड कर पाऊँगी। तो आज के व्लॉग का तो इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, राम राम।